हेलो स्टूडेंट्स नाउ आवर नेक्स्ट चैप्टर इज अमीन्स वी विल सी द इंटेक्स क्वेश्चन फ्रॉम अमीन्स एनसीआरटी इंटेक्स क्वेश्चन सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज थर्टीन पॉइंट वन क्लासिफाईड फॉलोइंग अमीन्स एज प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्चरी अमीन्स सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता होना चाहिए प्राइमरी अमीन क्या होता है द प्राइमरी अमीन इज द कंपाउंड विच कंटेन डैश एन एस टू दैट इज अमीनो एज अ फंक्शनल ग्रुप वॉट इज सेकेंडरी अमीन सेकेंडरी अमीन में होता है डैश एन एच डैश एज अ फंक्शनल ग्रुप विच इज कॉल्ड एज इमीनो और जो टर्चर अमीन होता है उसमें फंक्शनल ग्रुप होता है टर्चरी नाइट्रोजन दैट इज दर्चरी नाइट्रोजन तो उस अकॉर्डिंग अभी हमें उन्हें क्लासिफाई करना है पहले मॉलिक्यूल में क्या है हमारे पास वी आर हैविंग एन एच टू एच टू मतलब क्या होता है प्राइमरी अमीन तो ये फर्स्ट एग्जांपल है प्राइमरी अमीन का उसके बाद सेकंड में क्या दिया है दिया है बस एन होता है उसमें में मतलब ये हुआ प्राइमरी अमीन और इसके एनएच है एनएच का क्या होता है इमिनो इमिनो मतलब क्या होता है सेकेंडरी अमीन तो याद रखना है डैश एनएच टू हुआ तो प्राइमरी अमीन नाइट्रोजन को एक भी हाइड्रोजन अटैच नहीं है सब अल्काइल ग्रुप से या फिर ग्रुप से तो टर्चर होगा उसके बाद अगर एक हाइड्रोजन अटैच है या फिर एनएच फंक्शनल ग्रुप है तो उसे बोलेंगे हम सेकेंडरी सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज थर्टीन पॉइंट टू राइट द स्ट्रक्चर ऑफ डिफरेंट आइसोमेरिक अमीन्स करस्पोन्डिंग टू मॉलिकुलर फॉर्मूला सी फोर एच इलेवन एन तभी अमींस में याद रखना है आपको इन सब अमीन्स uh, में आपको प्राइमरी इस मॉलिकुलर फॉर्मूला के लिए प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्चर अमीन्स पॉसिबल है तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर हैविंग फोर कार्बन आइटम सो विल ड्रॉ फोर कार्बन आइटम हियर वन वन टू थ्री फोर तो एनएस में फर्स्ट पोजीशन पे रख सकता हूं या फिर वन टू थ्री फोर मैं एनएस को सेकंड पोजीशन पे रख सकता हूं एम या फिर अभी क्या कर सकते हैं हम कार्बन स्केलेटन चेंज करेंगे फोर की जगह तीन लेंगे एक वाले इधर लिखेंगे और एन टू इधर आएगा इज एंड इट देन वन मोर स्ट्रक्चर इज पॉसिबल अभी क्या करेंगे एनएच टू की पोजिशन बदल देंगे ये फर्स्ट कार्बन पे इसे सेकंड कार्बन पे लिखेंगे वन टू थ्री फोर एन एच टू इज ए द हाइड्रोजन दैट वी नो इट इज सी एच थ्री सी एच थ्री सी एच थ्री इट इज सी एस थ्री सी एस थ्री सी एच सी एस टू सी एस थ्री सी एस टू सी एच सी एस थ्री यार सी एच टू सी एस टू सी एस टू सी एस थ्री सो ये सब प्राइमरी अमीन बन गया अभी फाइन नाव विल शिफ्ट टू द सेकेंडरी अमीन अभी सेकेंडरी अमीन में क्या करना होता है हमें फंक्शनल ग्रुप होता है एन एच तो पहले एनएच लिखेंगे टोटल कितने कार्बन आइटम है हमारे पास फोर है तो फोर में से क्या करेंगे तीन एक साइड लिखेंगे एक एक साइड लिखेंगे सो so, तीन इस साइड लिखे एक एक साइड लिखा तो बचे हुए हाइड्रोजन है सी एच थ्री सी एच टू सी टू सी थ्री एम ए राइट और क्या पॉसिबिलिटी है दो एक साइड दो एक साइड तो मतलब क्या हो गया सी एच टू सी एच टू एन एच सी टू सी टू सी एस थ्री सॉरी और एक पॉसिबिलिटी है एन एच जो फर्स्ट कार्बन के अटैच है उसे सेकंड कार्बन को अटैच करवा देंगे तो फिर क्या बनेगा सी एस थ्री सी एच सी एस थ्री साइड एनएच सी एस थ्री तो ये बन गए सब सेकेंडरी अमीन सेकेंडरी में और पॉसिबल स्ट्रक्चर नहीं हमारे पास नाउ वी आर हैविंग अमीन तो अभी टर्चर अमीन में क्या करेंगे हमारे पास फंक्शनल ग्रुप क्या होता है डैश एन डैश डैश दैट इज टर्चरी नाइट्रोजन तो अभी टोटल कितने कार्बन है हमारे पास फोर है तो दो यहाँ पे लिखे रिमेनिंग दो ऐसे करके लिखे सी एस थ्री सी एस टू सी एस थ्री सी एस थ्री सो आई विल कॉल ऑल दिस स्ट्रक्चर एज दिस स्ट्रक्चर एज ए दिस इज बी सी डी ई एफ जी एंड आई विल कॉल इट एज एच दे हैव आस्क अस द आईयूपीएसी नेम सो सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन लॉन्गेस्ट कार्बन चेन की फर्स्ट पोजीशन पे एन एस टू है लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में चार कार्बन है चार कार्बन मतलब ब्यूटेन होता है ब्यूटेन का ई e आपको रिप्लेस करना है अमीन से एंड पोजिशन भी मैंशन करनी है फर्स्ट पोजिशन पे अमाइनो ग्रुप है सो वन अमाइन अभी अगेन लॉन्गेस्ट चेन में फोर कार्बन आइटम है नंबरिंग राइट right से स्टार्ट होगी सेकंड पे एनेस्ट आएगा तो फिर सेकंड पोजीशन पे अमाइनो ग्रुप है तो इसे कैसे लिखेंगे टोटल कार्बन आइटम फोर है लॉन्गेस्ट चेन में सो ब्यूटेन एट टू पोजीशन आई एम हैविंग अमाइन सो इट विल बी ब्यूटेन टू अमाइन अभी ये लॉन्गेस्ट चेन है फर्स्ट पोजीशन पे अनेस्ट है सेकंड पे हमें मिथाइल मिला तो पहले सब्सटेट्यूएंट का नाम लिखेंगे टू मिथाइल लॉन्गेस्ट चेन में तीन कार्बन आइटम है सो प्रोपेन और उसके फर्स्ट पोजिशन पे अमाइनो ग्रुप है सो प्रोपेन वन अमाइन नाउ इज द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ये सब्सिट्यूएंट है नंबरिंग अप एंड से करो डाउन एंड से करो दोनों साइड से कार्बन आइटम अटैच टू तो एनएच टू सेम नंबर पे आ रहा है तो सेकंड पे मिथाइल है हमारे पास सो इसका नाम लिखेंगे टू मिथाइल लॉन्गेस्ट चेन में टोटल कितने कार्बन है तीन मतलब पेरेंट हुआ प्रोपेन उसके टू पोजीशन पे अमाइनो ग्रुप है सो प्रोपेन टू अमाइन इज द करेक्ट नेम अभी इस केस में ये लॉन्गेस्ट चेन है नाइट्रोजन पे सी एस थ्री ग्रुप अटैच है अगर नाइट्रोजन पे अल्के ग्रुप अटैच है तो उसे एन करके लिखेंगे एन एन पे कौन है मिथाइल लॉन्गेस्ट चेन में कितने कार्बन है तीन मतलब ये क्या बन गया प्रोपेन उसकी फर्स्ट पोजिशन पे नाइट्रोजन है सो प्रोपेन वन अमाइन इन द सेम वे दिस कैन बी अ लॉन्गेस्ट चेन और दिस कैन बी अ लॉन्गेस्ट चेन बोथ आर ऑफ इक्वल लेंथ सो किसी को भी एक लॉन्गेस्ट चेन पकड़ो दूसरे को सब्स्टेटेंट पकड़ो तो so, नाइट्रोजन पे इथाइल सब्सटेटेंट है तो so, उसे लिखेंगे एन इथाइल जब कभी सब्सटेटेंट नाइट्रोजन पे होगा तो उसे एन इथाइल या फिर एनालकैल करके लिखेंगे लॉन्गेस्ट चेन में टू कार्बन आइटम है सो नो डाउट इट विल बी इथेनामाइन इथेन वन और इथेनामाइन नाव इन दिस केस दिस इज अ लॉन्गेस्ट कार्बन चेन और ये क्या बन गया फिर सब्सटेटेंट वन टू थ्री नाइट्रोजन पे मिथाइल ग्रुप अटैच है सो so इसे लिखेंगे एन मिथाइल लॉन्गेस्ट चेन में कितने कार्बन आइटम है तीन मतलब ये बन गया प्रोपेन और सेकंड पोजीशन पे उसके अमाइनो ग्रुप है सो प्रोपेन टू अमाइन नाउ इन दिस केस दिस इज द लॉन्गेस्ट चेन सो नो डाउट डीज आर द दब्सटीटेंट नाइट्रोजन पे दो सब्सटीटेंट है दोनों भी मिथाइल है सो so इसे लिखेंगे एन कॉमा एन डायमिथाइल एन कॉमा एन डाई मिथाइल लॉन्गेस्ट चेन में दो कार्बन आइटम है सो पेराटेल इथेन बन गया उसका ई हमें अमाइन से रिप्लेस करना है सो ये बन गया इथेन अमाइन सो दबाउट द स्ट्रक्चर एंड आई पे नेम ऑफ द कंपाउंड नाउ द थर्ड क्वेश्चन इज दैट वी आर गोइंग टू राइट द रिलेशन बिटवीन ऑल ऑफ दिस रिलेशन बिटवीन ऑल दिज रिलेशन बिट्वीन ऑल आयुसूमर विच काइंड ऑफ आयुसूमर डज दे एग्जिबिट सो so, आपको याद रखना है जो आपने पास ए है बी है ई e है और जो जी है ये सब पोजिशनल आइसोमेरिज्म शो करेंगे They all will show इसका रीजन क्या है ए बी में एनएस टू की पोजिशन बदल रही है फर्स्ट में वन पोजिशन पे है सेकंड में सेकंड पोजिशन पे है बराबर ई e और जी में देखना है अभी हमें ये है अपना ई e, और ये है अपना जी तो इसमें क्या चेंज दिख रहा है पोजिशन बदल रही है प्रोफाइल की फर्स्ट पोजिशन पे एन एच है यहाँ प्रोपाइल सेकंड पे प्रोफाइल की सेकेंड पोजिशन पे एन एच है कैसे याद रखना है बाकी सब नेम सेम होना चाहिए बस नंबर बदलना चाहिए जैसे कि एन मिथाइल प्रोपेन वन एन मिथाइल प्रोपेन टू तो अमाइन नंबर चेंज हुआ मतलब ये पोजिशनल बन गए यहां है आइडेंटिफाई तो करना है नेम विल बी सेम ओनली द पोजिशन दैट इज वन टू इट विल बी डिफरेंट पोजिशन विल बी डिफरेंट अभी हमारे पास ए एंड सी है तो इन दोनों में क्या रिलेशन है ए एंड सी अभी इनका कार्बन स्केलेटन बदल गया है ये स्ट्रेट है ये ब्रांच है तो ये बन गए चेन आइसोमर ये क्या बन गए चेन आइसोमर अभी उसके साथ हमारे पास है ए एंड डी ए एंड डी कौन सा है ये ए है ये वाला डी है इसकी भी चेन बदल गई है कार्बन स्केलेटन चेंज हुआ है मतलब ये भी, भी क्या बन गया है चेन आइसोमर उसके बाद हमारे पास है बी एंड सी बी एन सी धिस बी एंड धिस सी अगेन कार्बन केलेटन इज डिफर सो दे आर चेन आईसोमर नो डाउट उसके बाद हमारे पास ई एन एफ है अभी ई एंड एफ क्या है हमारे पास एफ e तो अभी ई एन एफ में क्या किस टाइप का आइसोमरिज्म है दे आर मेटामर्स मेटामर्स क्या होता है बाई फंशनल फंक्शनल ग्रुप के दोनों साइड डिफरेंट अलकाइल ग्रुप होने चाहिए जैसे कि यहाँ पे एन प्रोपाइल है यहाँ पे इथाइल e है यहाँ पे मिथाइल है यहाँ पे इथाइल है मॉलिकुलर फॉर्मूला सेम है बट दोनों साइड में जो अल्कल ग्रुप है वो अलग है तो ये होगा मेटामेरिज्म क्या बन गए मेटामर्स उसके बाद मेटामर्स की और एक पेयर है हमारे पास एफ एन जी एफ जी ये बन गया इथाइल ये बन गया इथाइल ये एन ये क्या बन गया आइसोप्रोपाइल

आइसोमर ऑफ प्राइमरी एज वेल सेकंडरी टर्चरी तीनों मीन एक दूसरे के क्या है फंक्शनल आइसोमर है क्योंकि उन तीनों में अपना फंक्शनल ग्रुप बदल बदल रहा है जैसे कि प्राइमरी अमीन में है डैश एन इज टू दैट अमाइनो सेकेंडरी में है डैश एन एच डैश मतलब इमिनो टर्चर अमीन में एन डैश 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 मतलब टर्चरी नाइट्रोजन आइटम है तो फंक्शनल ग्रुप बदला मतलब वो क्या बन गए फंक्शनल आइसोमर्स दे ऑल विल बी फंक्शनल आइसोमर्स ऑफ ईच अदर थैंक यू